नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप विश्वकर्मा हाजिर हूँ आपके सामने आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम एक मुलाकात लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी खास व्यक्ति से, और आज हमारे साथ जो है वो खास नहीं बल्कि बहुत खास है। सीनियर IAS नवनीत सहगल जी हमारे साथ में है, वो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अपर मुख्य सचिव निर्यात आपके पास में है, सूचना के अपर मुख्य सचिव हैं, और साथ ही साथ में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड भी आप देख रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। चीन को टक्कर देने की बात थी, आपने माटी कलर को बोर्ड बनाया था, उसके हिसाब से दीपावली में एक जबरदस्त टक्कर दी गई, क्या कहेंगे, ये देश के लिए और खासकर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी? जी जी, देखिए क्या है कि ये प्रैक्टिस में था कि दिवाली पे हर साल मिट्टी की मूर्तियां तक भी जो हैं वो चीन से आयात होती हैं, और ये एक चैलेंज था कि किस तरह से हम उसको अपने यहाँ उस अच्छी क्वालिटी की मूर्ति बनाएं कि लोगों को चाइना की मूर्ति याद ना रहे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश, जो उनका नारा था वोकल फॉर लोकल, तो उसको बढ़ावा देने के लिए ये हम लोग पिछले 6-7 महीने से प्रयास कर रहे थे, और उसी प्रयास में उनको जो हमारे मूर्तिकार हैं जो कि कुम्हार हैं, उनको हम लोगों ने पहले मशीनें दी थी, जैसे उनको उनका काम आसान करने के लिए उनको इलेक्ट्रिक चाक दिए गए, पिछले साल काफ़ी दिए गए थे। फिर वो मिट्टी को प्रोसेस करने के लिए उनको पग मिल होती है वो दी गई, जिससे कि मिट्टी जल्दी प्रोसेस हो, बेहतर प्रोसेस होती है। उनको आधुनिक फर्नेस वगैरह दी गई, परंतु ट्रेनिंग तो खैर दिलाए, लेकिन परंतु फिर भी वो मूर्ति में एक रूपता नहीं आ पा रही थी। तो फिर इस वर्ष चूंकि हमको चाइना से जो मूर्तियों को रिप्लेस करना था, तो हमने फिर कलकत्ता में आर्टिस्ट को भेज के उनको सांचे बनवाए, उसके मूर्तियों की डाई बनवाई, सांचे बनवाए, और जो ये सब मूर्तियां बनाने वाले थे उनमें से अधिकतर को हमने वो सांचे निशुल्क सरकार की ओर से वितरित किए, और उनसे कहा कि भाई आप इस सांचे के हिसाब से बनाइए। तो सांचे के हिसाब से आप देखेंगे कि बड़ी बहुत अच्छी भव्यता भी आई मूर्तियों में, एक रूपता भी आई, और पूरे प्रदेश में मिट्टी के मूर्तियां और दियों की बहुत अच्छी इस बार बिक्री हुई। हम लोगों ने जो लखनऊ के नागरिक हैं उनके लिए लखनऊ में मेला लगाया, बाकी जिलों में भी जगह जगह निर्देशित किया था हमने, सब जगह मेले लगे, तो केवल लखनऊ में ही लगभग उनकी लगभग 50 लाख रुपए की बिक्री 6 दिन में हो गई, टोटल 2.37 करोड़ की बिक्री, वो पूरे प्रदेश में जो सामान बिका है। और ये शुरुआत है, लोगों को अब आदत पड़ने लगी है कि नहीं, हमारे यहाँ भी जो मिट्टी की मूर्तियां हैं वो बेहतर बन सकती हैं। हम लोगों ने उनको दिए बनाने की मशीनें दी, तो दिए बनाने की मशीनों से क्या कि एक तो दिए बनाने की संख्या तेज ज्यादा हुई, और दूसरा दिए की गुणवत्ता अच्छी हुई, तो वो उससे इस बार एक पुश मिला है, जो हमारी स्थानीय कुम्हार हैं, स्थानीय जो कारीगर हैं उनको पुश मिला है, और उनका सामग्री जो हमारे लोगों ने खरीदा है दिवाली मनाने के लिए, उससे ये अगले वर्ष और उसको बढ़ावा मिलेगा, और अगले वर्ष हम और लोगों को इस तरह के औजार और इक्विपमेंट और सांचे और फर्नेस और इलेक्ट्रिक चाक और ये सब और बांट रहे हैं। क्या लगता है, तो धीरे धीरे इसको आधुनिक कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है, एक सम्मिलित प्रयास था, क्योंकि लीज भी दिया आपने तालाब खोदने के लिए जिससे कि मिट्टी मिल जाए वहाँ से, और ट्रेनिंग का पार्ट भी रहा। लगभग 75,000 परिवार पूरे प्रदेश में ऐसे चिन्हित हैं जो कि सीरियसली एक अच्छे लेवल पे ये मिट्टी का काम करते हैं, तो अब हम उनको हैंड होल्डिंग करके उनको हर तरह का प्रयास कर कोशिश कर रहे हैं कि उनको प्रयास करें, जहाँ जहाँ भी उनको समस्या आती है तो उसमें तकनीक का अगर सहारा लेना है या उसमें एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना है, एक्सपर्ट की राय लेनी है, तो वो दोनों चीज़ें उनको हम उपलब्ध कराएं, ताकि अगले वर्ष यही जो बिक्री है वो 2.5 करोड़ से 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, तो वो उसको उससे क्या है कि ये जो हमारे कारीगर हैं जिनकी रोजी रोटी इसी पर निर्भर करती है, उनका भी काम चलेगा। मुख्यमंत्री जी ने इस बार विशेष अपील की कि हम लोग सब जो हैं जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको बढ़ावा दें, उनको हम अपना गिफ्ट भी करें, तो उससे भी चूंकि जैसे गोरखपुर जैसा है वहाँ टेराकोटा हमारा मिट्टी का वो है, 1 ODOP प्रोडक्ट है, तो उसको अच्छी बूस्ट मिली, उसको अच्छी सेल हुई। मैं कह रहा था कि आप ये बात की जाती किसानों की आय दोगुनी की जाए, लेकिन आपने यहाँ पर जो आर्टिसंस हैं उनकी आय बढ़ाई है, 1/3 उनको जाता है जितना प्रॉफिट होता है, तो क्या लगता है कि कितनी आय में बढ़ोतरी हुई होगी उनकी?
नहीं, क्योंकि देखिए हम पहले क्या होता था यहाँ पर प्रदेश में जो खादी होती थी तो एक सीमित समय के लिए 100 दिन के लिए 2 अक्टूबर से लेके और उस पे खादी की बिक्री पर छूट दी जाती 15% की छूट, 10 से 15% 10% 15% डिपेंडिंग हर साल ऐसा होता था। तो उससे क्या हो रहा था कि प्रदेश में जो कारीगर हैं जो खादी में काम कर रहे थे उनको बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं हो पा रही थी क्योंकि सिर्फ बिक्री पर था। अब ये नहीं था कि वो कहाँ कपड़ा बन रहा है तो दूसरे प्रदेशों से कपड़ा लाके लोग यहाँ बेच दिया करते थे और उस पर सरकार से सब्सिडी ले लेते थे। तो हम लोगों ने पिछले साल 2 साल पहले उसमें परिवर्तन करके उसको हमने फिर प्रोडक्शन बेस कर दिया कि और बढ़ा दी सब्सिडी। अब 15% सब्सिडी मिलती है और पूरे साल भर मिलती है साल भर भी मिलती है। और दूसरा ये कि वो उत्पादन पे मिलती है, अगर आपने उत्पादन इधर किया है उत्तर प्रदेश में तो आपको मिलेगी। और उसमें भी 5% जो है सीधे हम आर्टिसन के खाते में ट्रांसफर करते हैं, उनके DBT के माध्यम से हम सीधे खाते में ट्रांसफर करते हैं। तो उससे जो है उनकी आमदनी बढ़ रही है। और दूसरा ये कि उनको इस प्रोफेशन में इस काम में बने रहने की प्रेरणा भी मिल रही है, नहीं तो बहुत सारे लोग छोड़ के चले जा रहे थे। उससे दूसरा तरीका हम लोगों ने जो किया है वो है कि हम अब सोलर चरखा दे रहे हैं, जो दूसरा चरखा हाथ वाला उससे दिन में अगर दिन भर भी काम करता था आदमी तो ज्यादा से ज्यादा 80 रुपए 100 रुपए की आमदनी को आपने नहीं ज्यादा 80 से 100 रुपए की आमदनी होती थी। अब जो है उनको सोलर चरखा देने से वो 250 रुपए तक की उनकी हो गई। तो जो 100 रुपए वाले थे वो लोग छोड़ के मनरेगा में जाने लगे थे तो वो खादी का उत्पादन कम होने लगा था। अब क्या है कि जब हमने सोलर चरखा दे दिया तो उतने ही समय में वो लगभग 250-300 रुपए का उत्पादन कर लेते हैं। उससे उनकी उनको उसमें उस काम में बने रहने की एक प्रेरणा मिलती है, वो फिर मजदूरी के कामों में नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी वोकल कहते हैं कि आप लोकल के लिए वोकल हुई, आपने लोकल को उठा करके इंटरनेशनल कर दिया, खादी को फ्लिपकार्ट अमेजन ईबे और दुनिया के 55 देशों तक पहुंचा दिया उसको। जी जी, तो नहीं देखिए खादी जो है वो हाथ का बना हुआ जो है हमारा स्वदेशी कपड़ा है और उससे आर्टिसन की एक लाइवलीहुड जुड़ी हुई है, उनकी उनका जीवन का वो जुड़ा हुआ। तो उसको आगे बढ़ाने से हम न केवल देश का उत्पादन आगे बढ़ाते हैं बल्कि एक परिवार की आमदनी भी आगे बढ़ाते हैं। तो वो एक प्रकार में, दूसरी बात यह है कि विदेशों में इसकी बहुत मांग है, जो हाथ का बना हुआ सामान है विदेशों में बहुत मांग है, परंतु यहाँ का एक्सपोजर नहीं था। अब हमने उसको अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे जब डाला है तो बहुत से बाहर से भी लोग देख रहे हैं, सब उनकी बिक्री हो रही है। अभी हमने एक इंटरनेशनल वर्चुअल एग्जीबिशन की थी जी, उसमें ये इतिहास की पहली वर्चुअल मीटिंग थी मुझे जी। उसमें 37 देशों से लोगों ने रुचि दिखाई और 55,000 लोग उससे जुड़े, 27,000 लोगों ने विजिट किया, 55,000 लोगों ने अपना विजिटिंग कार्ड दिया। तो एक एक रुचि लोगों में जागृत हुई और उसका परिणाम है कि अभी हाल में ही हमें सिंगापुर से एक मेल अपने से ही आया कि साहब हम आपका सामान साउथ ईस्ट एशिया में बेचना चाहते हैं। तो हम उनसे अब कम्युनिकेशन में हैं, उनको सामग्री उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई ठीक है आप हमारा सामान ये बेच सकते हैं। सर वहाँ से भी सिंगापुर से भी की बात करें, सिंगापुर वाले भी इंटरेस्टेड हैं, अफ्रीका भी और दक्षिण कोरिया भी इंटरेस्टेड है खरीदने में सामान, तो क्या लगता है कि अब ये इंटरनेशनल की तरफ हम बढ़ रहे हैं? जी। दूसरी बड़ी बात ये कि खादी अभी तक सिर्फ नेताओं की वर्दी मानी जाती थी ज्यादातर, लेकिन आपने इसको फैशन में उतार दिया, फैशन शो लगातार हो रहे हैं, तो इसके आने से कोई फायदा हुआ? वो जैसे आपने बताया ये एक साधारण लोगों में इंप्रेशन था कि खादी जो है सिर्फ नेताओं की ड्रेस है, उसको कैसे हटाते उससे। तो उसके लिए हम लोगों ने ये प्रचारित करने का प्रयास किया है कि खादी आम आदमी भी डाल सकता है, खादी में इनोवेशन हुए हैं, खादी की पैंट, खादी की शर्ट, खादी का ये सब हो रखता है, जब मैंने डाला हुआ ये सब पूरा खादी है। तो खादी शादियों में भी, खादी पे आप बढ़िया कढ़ाई करके जरी की दरदूदी की बहुत सुंदर बन जाती है। तो ये आम आदमी तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी था कि फैशन शो इत्यादि किए जाएँ। फैशन शो करने से जो है वो लोगों को ये यकीन होने लगा कि हाँ ये खादी जो है अच्छी लगती है, फैशन के लिए भी है, कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है कपड़ा, लेकिन ये है कि इसके ऊपर कढ़ाई कर दी जाए या इसका डिजाइनिंग कर दिया जाए तो बेहतर है। तो हमने देश के बड़े डिजाइनर जो है रितु बेरी, रीना ढाका, इन सबको साथ में जोड़ा, उनसे डिजाइन ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी उसको जोड़ा, तो बच्चों को उनके जोड़ा, उन्होंने बड़े नए नए इनोवेशन किए, बताया कि ड्रेस मटेरियल खादी से कैसे अच्छा बन सकता है। तो वो एक एक हमारा कोशिश है लोगों तक पहुंचाने की कि भाई खादी जो है
किसी भी प्रयोग में आ सकती है, शादियों में भी खादी का कपड़ा पहन सकते हैं, अदरवाइज भी आप खादी का कपड़ा पहन सकते हैं। एक बड़ी समस्या थी उत्तर प्रदेश में, बच्चों को सही समय पर यूनिफॉर्म नहीं मिल पाती थी। आपने यूनिफॉर्म बनवाना शुरू किया और उसको सप्लाई कर, क्या लगता है इससे डबल फायदा है? एक तो जो अभी तक सरकार की बदनामी होती थी उसमें काफी कई बार उसमें गड़बड़ी की शिकायतें आई, एक तो वो रुकेगी और सरकार का माल सरकार में ही सप्लाई होगा। नहीं देखिए, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन वर्तमान सरकार ने किया है, वो ये कि पहले जो वर्दी दी जाती थी उसकी स्पेसिफिकेशन नहीं थी, सिर्फ रेट पे जो है वो टेंडर होता था। उससे क्या है कि लोग सस्ता करने के लिए पॉलिएस्टर के कपड़े दे देते थे, तो पॉलिएस्टर के कपड़े देने से बच्चों को गर्मी में गर्मी लगती थी, सर्दी में सर्दी लगती थी, वो बहुत काम का नहीं था वो कपड़ा। तो पिछले साल जब हम लोगों ने खादी को इंट्रोड्यूस कराया, हमने ये बेसिक शिक्षा विभाग से इसको टेकअप किया, तो हमने कहा कि भाई आप, हम कॉटन आपको देते हैं, आप कॉटन का एक पोर्शन रखिए, कॉटन का पोर्शन रखेंगे तो गर्मी में वो पसीना सोखेगी, सर्दी में मदद भी करेगी। तो पिछले साल से स्पेसिफिकेशन बनाई गई पहली बार, जिसमें 67% लैंड वर्क था, ये लैंडमार्क वर्क था जी, 67% उसमें कॉटन रखा गया और 33% पॉलिएस्टर रखा गया, ताकि खादी जो है कॉटन जो है वो ज्यादा मैच्योरिटी रहे। उसमें फिर हम लोगों ने अपनी खादी की संस्थाओं से बना के ड्रेसेस पिछले साल भी 8-10 ब्लॉक में दी थी, इस साल भी हम 10 ब्लॉक में दे रहे हैं। तो वो एक तरह का एक्सपेरिमेंट है कि जो खादी की ड्रेस जो है बच्चों को एक तो कंफर्टेबल रहती है और गर्मियों में पसीना सोखती है, सर्दी में जो है सर्दी से बचाती है, तो वो पॉपुलर हो रही है। उससे क्या है कि एक तो हमारी संस्थाएं भी चल रही हैं, जैसे जो खादी का काम करती थी उनको 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 काम मिला है, उससे कारीगरों को काम मिला है। अभी क्या था कि जैसे कोई महाराष्ट्र से, पानीपत से, कहीं से मशीन से बना के कपड़ा यहाँ सप्लाई कर देते थे, वो चला जाता था, उससे रोजगार ज़्यादा नहीं होता था। अभी क्या है कि जो उत्तर प्रदेश के ही कारीगर हैं, यहाँ के आर्टिस्टन्स हैं, उनको काम मिल रहा है और ज़्यादा लोगों को काम मिल रहा है, पैसा उतना ही लग रहा है। तो उससे जो है एक लोगों की एक प्रक्रिया, एक जो आर्थिक जो विकास की प्रक्रिया है वो तेज होती है। एक और लैंडमार्क वर्क हुआ है सर, इसमें कंबल भी सप्लाई करना शुरू किया आपने, क्योंकि कंबल के लिए भी बहुत पहले मारामारी होती थी, गड़बड़ी आती थी सामने। देखिए कंबल हमारे लगभग 10 कंबल कारखाने थे जो कि बरसों से बंद पड़े हुए थे, तो 2 साल से हमने उसको रिवाइव करना शुरू किया, अभी सभी कारखानों में कंबल बनने शुरू हो गए हैं। कंबल हम सरकार को तो दे ही रहे हैं, बाजार में भी हमारे कंबल बहुत एक्सेप्टेबल होंगे, क्योंकि पहले उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, हमने उसका प्रोसेस देखा, प्रोसेस को इनोवेट किया, तो प्रोसेस को जो इनोवेट किया तो उसमें उसकी लागत कम हो गई, तो अब कम लागत के अच्छे गुणवत्ता के कंबल हम लोग ऐसे ही हमारे बिक जा रहे हैं, हमें किसी को देने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो सरकार को भी जितना हम बना पा रहे हैं उतना दे रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम अपनी कंबल बनाने की कैपेसिटी को 3 लाख कंबल पर ईयर करें, ताकि हम सारे कंबल सरकार को दे सकते हैं कि हम पूरे कंबल आपको देंगे और अच्छी गुणवत्ता के कंबल देंगे। उससे क्या है कि एक तो सरकार उत्तर प्रदेश का ही रहेगा, दूसरी बात यह है कि उतने कारीगरों को काम मिलेगा, जो गांव-गांव में कर रहे हैं, बुन रहे हैं, उनको काम मिलेगा। सर आप चर्चा जारी रखेंगे, आपने 50 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, एक ब्रेक लेंगे, आप अपना टीवी स्क्रीन छोड़ करके कहीं ना जाइए, क्योंकि आगे जो सवाल होने जा रहे हैं वो और भी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि 50 लाख रोजगार कैसे देंगे, उसका क्या खाका है और बाकी चीजें कैसे कर रहे हैं, उस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है, बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है, स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, गोल्डी मसाले खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान, मंथन।
क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बे औलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण ना करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512-239-0031 और 0512-239-0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर, आपने 50 लाख नौकरी देने की बात की है, क्या है उसका पूरा खाका? नहीं, देखिए, एमएसएमई जो इकाइयां नई लग रही हैं उसमें हम बड़े आराम से 50 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं। अभी तक जो कोरोना का जो लॉकडाउन हटा 14 मई के बाद से, अब तक हमने बैंकों के माध्यम से 6,30,000 इकाइयों को ऋण दिलाया है बैंकों से। तो एमएसएमई इकाइयों में 3 से 4 व्यक्ति पर यूनिट जो है वो रोजगार में पाते हैं, तो 24-25 लाख तो इसी से ही हो गया। इसके अलावा लगभग 4,37,000 इकाइयों को हमने 10,000 करोड़ रुपए बैंकों से और दिलाया, जो कि पहले से काम कर रही थी, तो इतना एडिशनल उनको फाइनेंस मिला है। तो एक एक आदमी अगर उन्होंने रखा हो तो बड़े आराम से 25 लाख लोग उसमें हो गए। अब हमें इनकी डिटेल मंगा रहे हैं, हम एक एक यूनिट का एड्रेस नाम पता मंगा रहे हैं जो जो कर्मचारी उन्होंने रखे हैं, ताकि हम सामने कागज पे दिखा सके कि हाँ, ये 25 लाख लोग ऐसे रोजगार में आए। और हमारा लक्ष्य है इस साल 20 लाख इकाइयों को ऋण देने का, तो 10 लाख तो हो चुकी, 10 लाख और देंगे तो 10 लाख और इकाइयां अगर आएंगी प्रदेश में, तो बड़े आराम से 25 लाख लोगों को रोजगार उसमें मिलेगा। तो 50 लाख का लक्ष्य को पाना बहुत मुश्किल काम नहीं। आपने नाबार्ड से कोलैबोरेशन किया, दूसरे बैंकों से कोलैबोरेशन किया, लेकिन दिक्कत यह थी कि वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, लोग बैंक ऋण देने में थोड़ा हेजिटेट जो भी है। नहीं, देखिए, बैंक को अगर आप वायबल बैंकेबल प्रोजेक्ट देंगे तो बैंक का तो काम है ऋण देना, और उसमें कई बार सबको ये लगता है कि ये भी एक तरह का सरकारी विभाग है जिसमें कागज डालो पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। बैंक का अपना अप्रेजल का सिस्टम है। अब जो सरकारी योजनाएं हैं, हम लोग पिछले साल से लगभग दुगनी गति से काम कर रहे हैं। अचीवमेंट ऑलरेडी 100% हो चुका है, तो वो भी तो ऋण वितरण हुआ ही है ना। तो ये क्या है कि आप अगर आपके पास बैंकेबल प्रोजेक्ट है, डिटेल्स हैं, प्रोजेक्ट प्रोफाइल हैं, सब चीज़ें, तो बैंक आपको लोन देगा, ऐसा ही नहीं। बैंक का तो काम है लोन देना। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, वो विभाग भी आप देख रहे हैं, क्या इसके आगे की क्या संभावना है, क्या आगे कर रहे हैं? नहीं, हमारे प्रदेश में देश की सबसे ज्यादा एमएसएमई हमारे प्रदेश में है, लगभग 14% पूरे देश की हमारे प्रदेश में है, और हम हर साल उसको बढ़ाते भी जा रहे हैं। भारत सरकार ने भी उसकी डेफिनेशन भी, उसमें सीमा भी बढ़ा दी है, तो नई इकाइयाँ आ रही हैं, और ये एमएसएमई ही रोजगार का सबसे बड़ा साधन है प्रदेश में। जो प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है, एक फैसला किया है कि 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी करने का, तो उसके लिए वो एमएसएमई एक बहुत बड़ा एक हमारा आधार है, जिसके ऊपर बिल्ड करके हम 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बना सकते हैं। और ऐसे एमएसएमई का भी नया एक्ट आया, उसमें एमएसएमई स्थापना करना सबसे आसान हो गया है, तो बैंक से हमने समन्वय करके उनको आसानी से ऋण दिला रहे हैं। तो दोनों काम जब साथ साथ हो रहे हैं तो एमएसएमई की संख्या बढ़ेगी, और संख्या बढ़ेगी तो प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आपके पास में एक्सपोर्ट भी आप देख रहे हैं, आपने 5.4% एक्सपोर्ट इस बार जो बढ़ा वो नेशनल लेवल से भी ज्यादा था, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर तो एक्सपोर्ट माइनस में जा रहा था, ये जादू कैसे किया आपने? देखिए, हमारी जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है, उसमें हम उनकी मार्केटिंग, पैकेजिंग, उनकी टेक्निकल कोलैबोरेशन, ये सब चीजें हम लोग उसको हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। तो जब ये हैंड होल्डिंग हम कर रहे हैं
तो प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है, हम जैसे हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ एग्रीमेंट किया है उसमें एक्सपोर्ट के भी हैं, तो पिछले दो साल में हमारा 38% जो है एक्सपोर्ट बढ़ा है। 80,000 करोड़ होता था, अब 1,20,000 करोड़ हो गया। हमने लक्ष्य उसको 3,00,000 करोड़ करने का किया। तो ये मार्केट, अभी हमने वर्चुअल एग्जीबिशन की जिसमें मैंने आपको बताया 35 देशों से लोगों ने भाग लिया, तो वो जब हम अपने प्रोडक्ट का एक्सपोजर दे रहे हैं मार्केट में, इंटरनेशनल एक्सपोजर दे रहे हैं, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हमारा लक्ष्य 3,00,000 करोड़ एक्सपोर्ट ले जाने का है। ODOP एक बहुत ही अनूठी योजना उभर करके सामने आई है जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत अप्रिशिएट किया है, आगे की क्या योजना है इस ODOP में? ODOP को हम आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट के हैं, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। वो प्रोडक्ट्स को हम नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से ला रहे हैं, टेक्निकल कोलैबोरेशन करा रहे हैं, पैकेजिंग में, मार्केटिंग में, हर तरफ से उनको असिस्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि हमारे ऑलरेडी क्लस्टर हैं वो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमको आगे लाना है, तो हम आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्निकल का बहुत प्रॉब्लम आती है, जैसे AKTU को आपने उसमें लगाया कि हमने जितने हमारे हैं भी जो IIT कानपुर है, BHU है, इन सबको हम लोग कोशिश कर रहे हैं जोड़ने की ताकि टेक्निकल हेल्प उनको मिल सके। MSME जो सबसे बड़ी बात है कि उद्योग लगाने में बहुत दिक्कत रहती है, लेकिन आपने एक वन विंडो कार्यक्रम शुरू किया था मुख्यमंत्री जी ने, उस कार्यक्रम को कहाँ तक पहुंचा? वो चल रहा है, अच्छा चल रहा है, इसीलिए संख्या भी बढ़ रही है। मैंने आपको बताया कि 6,30,000 तो अभी हमने बैंक से फाइनेंस अभी हुए हैं, संबंध में करके कराया गया, तो संख्या बढ़ रही है। इस साल और ज्यादा MSME आएंगी, जितना हम लोगों ने आसान कर दिया MSME को स्थापित करना, उतनी MSME ज्यादा स्थापित हो रही है, वो आएंगी, बिजनेस बढ़ेगा, इकोनॉमी में आगे टर्नओवर होगा। उद्योग आपके यहाँ आए और वो लगे, उसके लिए आप उद्योगपतियों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? नहीं, यहाँ तो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा प्रदेश और देश में दूसरे नंबर पर है। सभी हमें जो प्रक्रियाएं हैं वो आसान कर दी गई हैं, उद्योग स्थापित करना आसान है, सुविधाएं हैं, सरकार सब्सिडीज दे रही है और बिजली जो है 24 घंटे मिल रही है, दिल्ली के पास है, सबसे बड़ी देश की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट ये है और बिहार है, तो उद्योग यहाँ लगाना अकलमंदी है तो उसको वो आए लगाए, हम लोग सरकार पूरी उनके साथ खड़ी है, हर तरह से उनकी मदद करेगी। चाइना में जिस तरह से क्राइसिस चल रहा है कोरोना का, उसके बाद से देश की ओर लोगों की निगाहें हैं उद्योगपतियों की, यूपी एक बड़ा हब बन रहा है, जापान आपकी ओर निगाहें लगाए हुए, जापान से आपकी बात हुई, कहाँ तक पहुंची वो बात? नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं लगभग 10 देशों के, हमारी जो दूतावासों से हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री एसोसिएशन है उनसे बात हो रही है, तो ये समय लगेगा क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्टेड है चाइना की वजह से, तो उनको वो दूसरे जगह इन्वेस्ट करने में समय लगेगा, लेकिन ट्रैक पे है चीज। आपके साउथ कोरिया से भी बात हुई थी, साउथ कोरिया भी आना चाहता है यहाँ? साउथ कोरिया, जापान, रशिया, फ्रांस, UK, US, इन सब से बात हो रही है, इसराइल, सबसे बात हो रही है, तो जैसे जैसे कंक्रीट कुछ प्रोजेक्ट आएंगे तो उसमें आगे बढ़ेंगे। अब माटी कला की अगर बात करें तो माटी कला बोर्ड आपने बनाया, बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है, क्या भविष्य देख रहे माटी कला बोर्ड? बहुत अच्छा भविष्य, हमारे जितने कारीगर हैं मैंने बताया आपको, लगभग 75,000 के आसपास हमने चिन्हित किए हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। मिट्टी से ही जो है जितना हम ट्रेड कर सकते हैं उतना हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो इस कोरोना काल में भी जिस तरह से आपने अपने विभागों को आगे बढ़ाया है, क्या वो उनको आप मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, अच्छा है, उत्तर प्रदेश सरकार हर तरफ से कोशिश कर रही है, नीतियां हमने अच्छी बनाई हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में उद्योग में नीतियां हैं, सब निवेश मित्र है, जहां सब स्वीकृतियां जारी होती हैं, सुविधाएं हैं, सब्सिडीज हैं, माहौल अच्छा है, कानून व्यवस्था बेहतर है, तो यहाँ आए, रोजगार में अपना निवेश करें, निवेश पे रिटर्न पाएं, देश की सबसे बड़ी मार्केट है, मार्केट पे में ही अगर प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, अच्छी सेल होगी, तो उनका भी टर्नओवर अच्छा होगा, प्रदेश की भी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, हमारा जो $1 trillion इकोनॉमी बनने का लक्ष्य है वो भी जल्दी से पूरा होगा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, KNews से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नवनीत सहगल साहब, जो मैं बता रहा था कि उत्तर प्रदेश एक बहुत शानदार हब है जहाँ पर आकर के लोग अपना माल बना सकते हैं, बेच सकते हैं, और इससे न प्रदेश का भला होगा बल्कि देश से आगे भी तरक्की करेगा और उत्तर प्रदेश भी $1 trillion इकोनॉमी की ओर अग्रसर होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक ऐसे ही शख्स के साथ। देख रहे हैं KNews।
खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला बसंत, अनोखा स्वाद। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर खराब। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ केनी दिल्लिया। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बे औलाद किससे पाए अपना हक?